Good morning, friends. Every trade is a battle, and winning battles requires preparation. And since uncertainty is the only thing that's certain about the market, you should learn to identify the possible scenarios and prepare contingencies for them. Having plans for every likely scenario increases your chances of closing your trades without losses. आज है 1st of December 2022, स्टार्ट ऑफ ए न्यू मंथ। इस साल का आखिरी मंथ, आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टू बिगिन विथ, डॉलर सिंक्स 2-3 मंथ लो वर्सेस येन एज पावेल सेज फेड टू गो स्लो। US yields drop as Fed's Powell affirms slow rate hike pace could start in December. So, overnight में Fed Chairman Jerome Powell का जो speech था, it was very important. Market was waiting for the speech, जहां पे उन्होंने confirm किया कि rate hikes may slow starting December. उसके लिए हम देखेंगे इन यूएस मार्केट डॉलर टैंक किया एंड जो क्लोज था वो था 105.87, अभी है 105.67। आप देखोगे 16 नवंबर और 17 नवंबर का जो एनालिसिस, वहां पे हमने स्ट्रेस दिया था 15 नवंबर का पिन बार कैंडल। ये पिन बार कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है आफ्टर ए शार्प फॉल। बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल का भी पावर रखता है एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये लो टेस्ट कर सकता है। लो टेस्ट करने के बाद क्या इसके स्ट्रेंथ रहता है या नहीं रहता है, वो सब्सिक्वेंटली प्राइस एक्शन से हमें इवेल्युएट करना पड़ता है। दैट मीन द केस अभी क्या है, ये लो के नीचे, पिन बार का लो के नीचे और भी वीकनेस डॉलर इंडेक्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आरएसआई टर्म्स में भी अगर हम देखेंगे, आरएसआई 14 इज एट आपका बिलो 40, 36.30। सो ये बियरिश जोन में ऑन डेली टाइम फ्रेम आ चुका है। अगर हम इसको वीकली आरएसआई में देखेंगे, वीकली टर्म्स में ये है अभी 44.63, ये बिलो 40 फिर यहाँ पर भी एक बियरिश जोन में आ जाएगा। एंड मंथली जो है अभी वो 60.83 में है, अभी भी ये बेयरिश जोन में आया नहीं है। बट इन डेली टर्म्स यहाँ पे आपका बेयरिश सेंटीमेंट्स ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अभी तक हुआ नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन आरएसआई, इसके ट्रेंड लाइन तोड़ते ही आपका जो बियरिश सेंटीमेंट है वो ऑन डेली टाइम फ्रेम, माइंड इट, बिकॉज जो सेंटीमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम फ्रेम, विच पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम में सुपर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, दूसरे टाइम में थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है और तीसरा टाइम फ्रेम में कभी कभी ये बियरिश में हो सकता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू डेली टाइम फ्रेम, जैसे ही ये सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे आर एस आई क्लोज दे देगा, तो उस टाइम पे ये जो पिन बार का लो है 15 नवंबर, उसके लो के नीचे आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले अराउंड इन आवर ट्रेडिंग करेंसीज, वेदर इट इज जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, डॉलर येन और आपका जो चॉइस वाला करेंसीज है। डॉलर रुपी कल थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में सेल ऑफ हुआ था, एमएससीआई रिबैलेंसिंग रिलेटेड इनफ्लोज थोड़ा हिट किया बाजार में एंड बिकॉज ऑफ विच ये 81.35 में क्लोज दिया फर्स्ट टाइम, जो हम पिछले 21 नवंबर के बाद, 21 नवंबर का रेफरेंस कैंडल था, क्योंकि उस 21 नवंबर के प्राइस एक्शन के रिलेटेड अदर करेंसी पेयर्स, डॉलर इंडेक्स कहाँ से कहाँ चला गया था, जीबीपी डॉलर कहाँ से कहाँ, यूरो डॉलर, डॉलर येन, ह्यूज मोमेंटम मूवमेंट हुआ था, दो दो तीन तीन बिगीज का, लेकिन डॉलर भी वही का वही 8160 से 8170 के बीच में ही क्लोजिंग दे रहा था। तो हमें इंतजार था कि ये रेंज ब्रेकआउट के लिए, अभी ये रेंज ब्रेकआउट हो चुका है ऑन द लोअर साइड, दैट मीन द केस अभी ऑप्टिक में हम सेल कर सकते हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंट।
जीबीपी डॉलर 1.2084 ड्यूरिंग द डे, काफी आपका लो टेस्ट किया था जस्ट बिफोर द फेड चेयर्स स्पीच, ये आपका 1.19 तक छूके गया था। एंड एस बट सरप्राइजिंगली आप अगर जेन्युइनली मेरा एनालिसिस फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि स्टार्ट ऑफ द मंथ में, स्टार्ट ऑफ द वीक दैट इज ऑन 28 नवंबर का जो मॉर्निंग एनालिसिस है, करेंसी एनालिसिस, वहां पे आप देखोगे वी आर एंटीसिपेटिंग ए रिट्रेसमेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर बैंड, टुवर्ड्स द सेंटर बैंड, दैट डजंट मीन दैट एग्जैक्टली ना आपके सेंटर बैंड को छू के उसके बाद जाएगा, नॉट लाइक दैट। लेकिन आपका देखोगे 1.2075 से ये लो मारा था 1.19, यानी 175 पिप्स का एक रिट्रेसमेंट्स आया, उसके बाद ही ऊपर जा रहे। दिस इज ए वेरी हेल्दी ट्रेंड। हमें अभी लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी किसी को अगर ट्रेड करना है लोअर टाइम फ्रेम में बाय टिप्स में जा सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली आपका 98.65 से ये रिट्रेस मारा आपका 96.97.00 एंड उसके बाद ये रिट्रेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेंड। सो यहाँ पर भी हमें लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं। यूरो डॉलर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट आया। यहाँ पे आप देखो कि ये जो सेंटर बैंड है ना, ये एकदम परफेक्टली इसके साथ अलाइन हुआ है। आपका ये कल का करेंसी का लो कहाँ पे है 1.0290 एंड बोलिंजर बैंड कहाँ पे है आपका, बोलिंजर बैंड का 1.0280 ऑलमोस्ट, यानी ये जो आउटसाइड इनसाइड वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस में एक रिट्रेसमेंट सेल ऑफ हमें एक्सपेक्ट करना था, वो सेल ऑफ आपका एज पर द एम पैटर्न तो आना था आपका 1.0220 के आसपास, लेकिन ये मारा आपका 1.0295 के आसपास। उसका कारण क्या है? बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, इसीलिए जो मैग्नेट जो पुल बैक करता है पूरा का पूरा फुल फोर्स के साथ पुल बैक नहीं करता है। अगर ये साइडवेज ट्रेंड होता तो डेफिनेटली ये नेक लाइन तक आ सकता था। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली आप देखोगे पुल बैक किया आपका बोलिंजर बैंड का जो सेंटर बैंड है उसके नजदीक आके फिर अभी ऊपर रिट्रेस कर रहा है। बाय डिप्स में भी कंसीडर है। डॉलर येन क्या मस्त आपका ऊपर में, यहाँ पे काफी आपका देखोगे कि ये जो सपोर्ट जोन है आपका 1.138.60 से 139.60 का एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे काफी टाइम के लिए प्ले अराउंड किया एंड 28 नवंबर के एक पिन बार किया था। अब मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखो कि 28 नवंबर में पिन बार के लो के नीचे हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब तक वो प्रोटेक्ट रहेगा तो प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही वो पिन बार का लो तोड़ेगा तो भयंकर सेल ऑफ मीन्स यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी 1.3760 से मीन्स बोलते ही बोलते 100 पिप्स का एक लोअर मोमेंटम आ चुका है। ये नाइनर में अब देखोगे फिर पुल बैक करके ऊपर अच्छा खासा है, बट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आपका 0.5970 से 0.60 के यहाँ पे है। हमें देखना है आने वाले दिनों में ये क्या कन्विंसिंगली ब्रेक करता है या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करता है। डॉलर कैंडी कल परसों बेसिकली ये सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज दिया था, लेकिन उसके बाद कल आफ्टर फेड चेयर्स स्टेटमेंट के बाद स्पीच के बाद आपका ये फिर दोबारा नीचे आ चुका है, यानी ये जो ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन कर नहीं पाया। दैट बीइंग द केस व्हाट नेक्स्ट, अभी हमें ये होगा हमारा एक लोअर जोन एंड आपका ये हो जाएगा आपका अपर जोन, इसके बीच में कुछ दिनों के लिए ये ट्रेड कर सकता है बिफोर ब्रेकिंग आइदर साइड, पॉसिबिलिटी ऑन द लोअर साइड। ऑसी डॉलर में अच्छा खासा बाउंस बैक किया आपका, देखो मंडे मॉर्निंग का एनालिसिस वर्सेस अभी का। मंडे मॉर्निंग जब ये हमने एनालिसिस किया था तब ऑसी डॉलर 0.6750 के आसपास था, हमने ये एंटिसिपेट किया था कि ये आउटसाइड इनसाइड बोलिंजर बैंड के लिए एक रिट्रेसमेंट आएगा एंड प्रोबेबल टारगेट जो था 0.6600 से 0.6620 के तरफ ये आया आपका 0.6650 सेंटर बैंड के नजदीक आके ऊपर गया। यहाँ पर भी ये टारगेट नहीं दिया, उसका मेन रीजन क्या है ये टारगेट नहीं देने का, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे पुल बैक जो होगा इतना स्ट्रांग पुल बैक नहीं होगा। CNH बहुत बढ़िया है, अभी है 7.04, ये आपका 28 नवंबर को थोड़ा सा
डिस्टर्ब किया था 28 नवंबर में आपका, ड्यू टू कोविड रिलेटेड न्यूज कमिंग आउट फ्रॉम चाइना एंड द रिस्ट्रिक्शंस, न्यूज और न्यू नॉर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट द चाइना इज मीन्स अबाउट टू मीन्स रेस्ट्रिक्ट. सो वहाँ उसके लिए चाइनीज यूआन काफी ऊपर गया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन कर नहीं पाया. एंड कल एंड परसों अच्छा खासा सेल अप हुआ. एंड ये आके बॉटम लाइन पे आके ये वाला जो स्विंग लो है यहाँ पे आके अटका हुआ है. आपका अभी आपका क्या है सेल ऑप्टिक्स? कोई यूएन में, चाइनीज यूएन में कर सकता है तो सेल ऑप्टिक्स में ट्रेड कर सकते हैं. यूके ऑयल 86.74. आप देखो यहाँ पे इस लो लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया, यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है. बेसिकली वही है G7 कंट्रीज प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल, एक इंसिडेंट है. दूसरा वाला है यूएस वेनेजुएला का जो एग्रीमेंट का बातचीत चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ विच मार्केट इज जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा है. इधर वो नीचे की तरफ भागेगा या ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा. अगर प्राइस कैप लगाने में समर्थ रहा तो थोड़ा सा मीन्स सेल ऑफ हम वीकनेस हम यूपीएल में देख सकते हैं. अगर फेल होता है तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है. विसावी आपका यूएस वेनेजुएला का अगर पॉजिटिव कुछ एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगा एंड प्राइस नीचे की तरफ सेल ऑफ हो सकता है. यूएस 10-year ट्रेजरी 3.614, ये कंसोलिडेशंस के बाद यहाँ पे आने के बाद आउटसाइड इनसाइड में एक आपका पुल बैक का था. पुल बैक का जहाँ पे हमने ये बोल रहे थे कि एट एनी कॉस्ट ये 3.8485 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए. कल ये हाई मारा आपका 3.796 एंड उसके बाद नीचे आ गया. इट्स ए हेल्दी ट्रेंड. हेल्दी ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में है, यानी सेल ऑप्टिक्स में खेलने के लिए बहुत बढ़िया होगा. आई एम नॉट ए फैन ऑफ बियरिश मूवमेंट, आई एम नॉट ए फैन ऑफ बुलिश मूवमेंट, आई एम ए फैन ऑफ ट्रेंडेड मूवमेंट. एक ट्रेंड जब आ जाता है तो उसी ट्रेंड में आपको अगर एक सर्टेन पोर्शन आप कैप्चर कर सकते हो अपने ट्रेड बुक में, दैट इज मोर देन सफिशियंट. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.